अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर, और आपसे बता दें जो भी अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना होगा। और जो भी आप लोग कमेंट किए थे, जिस प्रकार से आपका सवाल था, नवीन सर से संपूर्ण जानकारी उस पर लेंगे। और जो भी सीटेट अभ्यर्थी हैं, यानी कि जुलाई वाले जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, और एक सबसे बड़ा समस्या चल रहा है मार्क्स को लेकर, कि आपका पासिंग मार्क्स बिहार सरकार के द्वारा 2019 में जब एग्जाम लिया गया था उस समय कुछ अलग निर्धारित किया गया, और वर्तमान समय में सीटेट के द्वारा कुछ अलग निर्धारित है, इसको लेकर भी अभ्यर्थी बहुत परेशान है। तो जो भी अभ्यर्थी है वो अंत तक वीडियो देखिएगा, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर अभ्यर्थी का कहना है कि 21-23 आप सेशन ले रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जब आप सीटेट नहीं लीजिएगा, इसमें कोई लिखा नहीं गया है अभ्यर्थी को, तो ये टेंशन बहुत चलता है। सर जो पहले भी किए होंगे बीएड या डीएलएड, वो भी सीटेट में कभी कभी एक आध अंक से पीछे रह जाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए ये जुलाई वाला अच्छा मौका है। सर इससे कितना अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं? निश्चित रूप से बहुत सारे अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। अभी जितना भी आप देख रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट का कॉल आ रहा है, तो इसी से रिलेटेड कॉल आ रहा है, और ये एक झुंझुना थमाने वाली बात है कि कितने स्टूडेंट सीटेट पिछली बार पास हैं, जिसको आप 21 से 23 में अलाउ किए हैं। तो जब आप मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका फ़ायदा दीजिएगा ही नहीं, तो ये ओपन करने का मतलब क्या है? 21-23 वाले को अलाउ करने का मतलब क्या है? आप देख लीजिए कि कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि अगर इस बार उनको नहीं मौका देगा तो निश्चित रूप से उनको मन में जो एक जोश पैदा हुआ है, या मन में ललक पैदा हुआ, या एक उत्साह दिख रहा है कि नहीं, हमको इस बार मौका मिलेगा तो हम ऐसे कर जाएंगे। तो अभी जो स्थिति उत्पन्न हुई है, तो स्टूडेंट एकदम संदेह में है कि मामला क्लियर नहीं हो पा रहा है, आयोग क्लियर नहीं कर रही है। इसी को लेकर के 2 दिन पहले स्टूडेंट का एक प्रतिनिधिमंडल, कहिए, एक एप्लीकेशन बना करके सारे गए थे। पहले बीपीएससी चेयरमैन के पास गए, फिर शिक्षा मंत्री के पास गए, और उन्होंने वहां पर स्पष्टतया आश्वासन इस बात को लेकर के दिया कि अभी तक जितने भी मामला तो मेरे पास पहुंचा है, उस पर हम गंभीरतापूर्वक अमल किए हैं, और इस मामले को भी हम निश्चित रूप से अमल करेंगे। लेकिन आप अमल कब कीजिएगा? 15 तारीख से फॉर्म भराया जाएगा, और आपको पहले इस बात को क्लियर कर देना चाहिए कि 21 से 23 वाले स्टूडेंट जो इस बार सीटेट का एग्जाम देंगे, उनको हम फायदा दे रहे हैं अथवा नहीं दे रहे हैं। अब पिछली बार भी जो आप जिस तरीके से बात किए, कि पिछली बार भी जो स्टूडेंट फेल किए होंगे, उनके लिए भी तो एक बड़ा आशा की किरण थी कि इस तरीके से अलाउ किया गया है, हमको भी इसका लाभ मिलेगा। तो अब देखना है ये, लेकिन हम एक बात इसमें कहना चाहते हैं, सभी अभ्यर्थी को कहना चाहते हैं कि ऐसे मानेगी नहीं मानेगी, दोनों तरह की बातें होंगी, लेकिन अगर थोड़ा सा दबाव आपके तरफ से बढ़ता है स्टूडेंट पे, तो इसका फायदा आपको, दबाव बढ़ता है शिक्षा मंत्रालय पर, तो निश्चित रूप से इसका फायदा आपको मिल सकता है। अब दबाव क्या, दबाव ये कि जैसे ये आपका वीडियो बन रहा है, इसमें निश्चित कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम स्टूडेंट कमेंट करें, जिससे कि एक दूसरे का नंबर आपस में शेयर होगा, आपस में एक आप ग्रुप बना सकते हैं, और ग्रुप बना करके स्टूडेंट को एकजुट करके एक साथ आप शिक्षा मंत्रालय आप जा सकते हैं, वहां शिक्षा मंत्री से बात कर सकते हैं। अगर 2-4 बार लगातार दौरा आपका हो गया, तो प्रेशर निश्चित रूप से वहां बनेगी, और चूंकि आगे इलेक्शन होना है, आप भी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि इलेक्शन को लेकर के ही अभी के समय में ये वैकेंसी दिया गया है, तो हमको नहीं लगता है कि इतने अधिक संख्या जब आप लोगों की है तो उसको इग्नोर किया जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, अगर आयोग के पास नहीं जाते हैं, अगर मंत्रालय में आप नहीं जाते हैं, हो सकता है कि इसी तरीके से आपका मामला ठंडे बस्ते में रह जाए। इसलिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा, इस वीडियो में आपको कमेंट करना पड़ेगा, और कमेंट में अपना नंबर डालना पड़ेगा, और कोई स्टूडेंट उसी को नंबर को एक जगह कलेक्ट करके टेलीग्राम पर आप एक बनाइए, जिस तरह का हम बता रहे हैं, और एक डेट फिक्स कीजिए, और डे बाय डे में अभी आप दौरा कीजिए इसका। ट्विटर कैंपेन भी कर सकते हैं सर, वो भी एक अच्छा जरिया। ट्विटर कैंपेन जरिया अच्छा है, लेकिन चूंकि समय भी नहीं है, और हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट आपस में यूनाइट नहीं हो पाते हैं, और अधिक संख्या में ट्वीट नहीं होगा, तो कोई फायदा उसे हो नहीं पा रहा है, हाल के दिनों में ये देखा जा रहा है। इसलिए बेस्ट यही तरीका है, पटने में इतने सारे बच्चे रहते हैं तैयारी करने वाले, अगर 100-200 के संख्या में भी अगर वहां पहुंचेंगे, तो उसका एक अलग मायने होगा। सर अगर देखा जाए, जब से शिक्षा नियमावली 2023 आया है, तभी से सर इसमें विवाद है, बहुत सारा विवाद है, बहुत सारा इसमें संशोधन भी किया जा रहा है, बहुत सारे जगह पर सुधार भी किया जा रहा है। अभी आप लगातार देखिए तो जो नियोजित शिक्षक है वो भी आंदोलन कर रहे हैं, और इसमें यदि जुलाई वाले जो सीटेट अभ्यर्थी हैं, अगर इस बार चूक हो जाती है, तो पता ना फिर कब इतना बड़ी वैकेंसी आएगी सर। तो इसलिए इन अभ्यर्थी को सबसे पहला कदम सर क्या होना चाहिए?
सबसे पहला कदम कि आपको कैसे मौका मिले, अभी जो आयोग आपको कंफ्यूजन में रखी है उसको क्लियर करना होगा, क्लियर करने के लिए वही प्रोसेस अपनाना होगा। हाँ, अपनाना होगा, दूसरा प्रोसेस कुछ नहीं है। लेकिन एक बात और, आप शुरू में ही बोले कि ये जो अभी मार्च का लोचा है कि सीटेट पास होना चाहिए, और इससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम है ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। अभी स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे हैं कि कितने मार्क्स वाले जो सीटेट बिहार के संदर्भ में कितने मार्क्स वाले को अलाउ किया गया है, क्योंकि इसके दो मायने हैं, एक तो करंट और दूसरा 2019 का मामला, तो इसको क्लियर करना जरूरी है। अभी बहुत स्टूडेंट का इससे रिलेटेड फोन लगातार आता है, कॉल आता है, अभी भी कन्फ्यूजन में बने हुए हैं, क्योंकि इस बार आप देखे होंगे कि नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसमें सीधे लिख दिया गया है कि सीटेट पास होना चाहिए। सीटेट पास होने का क्या मतलब है? सीटेट पास होने का मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स की है सीटेट पास का नियम 60 और 55 वाली, वही बात है कि अगर जनरल कैंडिडेट मेल हो या फीमेल हो उसको 60% यानी 90 मार्क्स आना जरूरी है, और अगर बाकी का जो है उसको 55% यानी कि 85 के लगभग मार्क्स आना जरूरी है। जबकि 2019 की बात करें जिसको अभी सभी विद्यार्थी आधार बना रहे हैं बिहार के संदर्भ में, वहां पर बोला गया था कि जनरल मेल 90 मार्क्स यानी 60%, इसको छोड़कर के BC1, BC2, EWS, EWS और जनरल महिला कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं इनका था 85 मार्क्स यानी 55%, लेकिन SC ST केस के संदर्भ में 50% किया गया था यानी 75 मार्क्स। तो अभी यही पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में है, क्या SC ST है तो हमको 75-76 में भर सकते हैं कि नहीं, 77-78 में भर सकते हैं कि नहीं, अभी कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं, क्योंकि पिछला बार 75 उसको बताया गया, 50% बाकी का 55% और सबसे ज्यादा जनरल महिला। सर इसमें भी जो ये आप बताए नियम 2019 में, बहुत सारे शिक्षक कार्यरत हैं उसी नंबर पर लेकर, वो बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग भी किए हुए हैं, तो सर अगर देखा जाए तो बोला जा रहा है सरकार के द्वारा कि यदि हम ये नियुक्ति करते हैं तो बहुत बड़ा सुधार होगा, शिक्षा में एक क्रांति आएगी, लेकिन वह क्रांति सर धरातल पर नहीं। एक्चुअली हमको लगता है कहीं कहीं ये मामला को लटकाने की एक साजिश है। आप देखिए पिछली बार आप अलाउ कर दिए उतने मार्क्स पर और इस बार आप कुछ लिखे ही नहीं, अभी तक मामला क्लियर नहीं किए हैं। अगर इस बार आप अलाउ नहीं करते हैं तो ऐसे ही फॉल्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये बात फॉल्स। कई सारे लोग सर चले गए हैं, अभी आयोग गए हैं, आयोग जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, आंदोलन करेंगे, तो मामला कहीं ना कहीं लटकता हुआ नजर आएगा। इसलिए आयोग को इस मामले में गंभीरता पूर्वक इस मामले को लेते हुए ये क्लियर करना चाहिए कि 2019 में जो हम रूल रेगुलेशन बनाए थे उसको आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सीटेट पास का क्या मतलब, जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है पास होने का क्राइटेरिया, सिर्फ उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये परिवर्तन क्यों 2019 का अलग और अभी 2023 का अलग? सर 19 में इसलिए दिया गया था, जैसा कि आयोग के जो नियमावली आई थी उसमें बताया गया था कि महिला आरक्षण के चलते हम ये नियमावली लाए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आ सके। लेकिन सर इस बार देखा जाए तो प्राथमिक विद्यालय में यह सराहनीय कदम है, 50% महिला आरक्षण दिया गया, लेकिन जब इसमें नहीं दिया जाएगा, जब उस प्रकार से छूट नहीं देगा तो महिलाएं का सीट ही नहीं पूरा होगा। नहीं नहीं, निश्चित रूप से कम एक बार दो बार और दे करके आपको सजग करना ही होगा। इसलिए एक तो आधार तो बनता ही है इस बात का, इसलिए आप देखिए आगे चल करके आयोग इस किस रूप में इसको लेती है। सर इन सारे चीज से ऊपर उठ के अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें, बच्चे कैसे थोड़ा सा अपने तैयारी में भी लगे, चूंकि ये सबसे लड़ना तो है, आप ही बोलते हैं लड़ाई भी पढ़ाई भी जरूरी है, तो पढ़ाई कैसे करें? पढ़ाई के लिए तो हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से सिलेबस दिया हुआ है, ये 8वें से नीचे का SCRT पैटर्न, 8वें से ऊपर के लिए NCERT पैटर्न, तो जो भी तैयारी करते हैं वो SCRT NCERT पैटर्न होता है, उसी हिसाब से तैयारी करना है। लेकिन सवाल ये है कि 1 to 5 की अगर हम बात करें तो 14 सब्जेक्ट सब मिला के लैंग्वेज सहित अगर व्याख्या अलग अलग करेंगे तो पढ़ना है, और 2.5 महीने से कम का समय है, तो 2.5 महीने में इतना ज्यादा पेपर को कैसे कवर करेंगे, अपने आप में ये चुनौती है। लेकिन क्वालिटी बेस्ड अगर आप चाहते हैं कि खुद को तैयार करना, तो अभी मैक्सिमम समय देना होगा, 8 से 10 घंटा 12 घंटे के रूटीन बना करके अगर सेल्फ स्टडी के माध्यम से करना चाहते हैं, तो सिलेबस ऐसा है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप खुद से नहीं कर सकते हैं, 100% खुद से कर सकते हैं, लेकिन वही है टाइम टेकन होना है। पता चलेगा कि कोई हिस्ट्री पढ़ने में ही 2 महीना हमारा लग गया,
इसलिए अगर जहां से भी अगर आपको हेल्प मिल पाए कि हमारा जल्दी जल्दी सिलेबस एक बार कम से कम रिवीजन हो जाएगा, कोचिंग हो, इंस्टीट्यूशन हो, तो आप अपने नज़दीकी या जो भी अच्छा लगता है वहां जाकर ज्वाइन करके, क्योंकि कोचिंग में क्या होता है कि एक प्रेशर में टीचर भी पढ़ाते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, डे बाय डे का रूटीन फिक्स होता है, लेकिन अगर सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही ये चीज अगर आप कर पाते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस साथ में कीजिए, एससीईआरटी पैटर्न और जो हाई स्कूल वाले हैं एनसीईआरटी पैटर्न, ये सबको फॉलो कीजिए, और हमको पूरा विश्वास है कि ऐसा मौका दोबारा आपको नहीं मिलना है। अभी इलेक्शन के कारण इतनी वैकेंसी निकली है और आगे कब वैकेंसी निकलेगी ये भी कहना मुश्किल है। इसलिए अगर पूरी तरीके से मेहनत अगर 2-2.5 महीना कर देते हैं, हो सकता है कि भविष्य आपको एक नया दिशा में ले जाए, और नहीं तो हो सकता है कि 2-2.5 महीना अगर थोड़ा सा भी किसी भी एक्सक्यूज के कारण अगर आपका मेहनत में कमी आता है तो बहुत पछताना पड़ सकता है। आप लोग भी देखे होइएगा, जब 6-8 की बात होती है तो उस समय सब बोला गया कि एक भी सीट नहीं है, लेकिन जब बच्चे लगातार दबाव बनाए आयोग पर और सरकार पर तो फिर बोला गया कि उसको हम प्रमोशन से करती हैं, यानी सीटेड जुलाई वाले, वह यदि आप सब एकत्रित होकर एक साथ संगठित होकर यदि आयोग पर जाते हैं या शिक्षा मंत्री से मिलते हैं या सरकार पर दबाव बांधते हैं तो आपका भी बात मान लिया जाएगा। साथ ही साथ जो भी 19 वाला आप जो बोल रहे हैं मार्च को लेकर, उस पर भी अमल किया जाएगा, लेकिन आप में एकता होना चाहिए। सर, समय देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।